200 ग्राम ये मेरे मिक्स फ्रूट है, वन बॉल है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर हम इतना बड़ा भी नारियल पानी एक आप अनार ले सकते हैं। तो ये मैंने एक अनार, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, इसे जरूर ट्राई करें। इसको स्प्राउट चाट, इसमें मैंने स्प्राउट किया है और टमाटर, बहुत ज्यादा इसको ना पकाएं जिससे कि ये बहुत ज्यादा गर्म। मेरे बर्थडे वाले दिन और उससे एक दिन पहले संडे को मेरी बहुत ज़्यादा किडमील हुई थी और प्रॉपर खाना नहीं हुआ था, प्रॉपर डाइट प्लान नहीं हुआ था। और मेरी बॉडी के साथ ऐसा ही है कि अगर मैं दो दिन में किडमील या फिर कुछ भी उल्टा सीधा खा लेती हूँ तो मेरा वेट 2 किलो से 1.5 किलो के बीच में डिफरेंस दिखाता है, मतलब 1.5-2 किलो आराम से बढ़ जाता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि 3 दिन की डिटॉक्स डाइट करूँगी और वो डिटॉक्स डाइट इतनी इफेक्टिव है कि 3 दिन में ही मेरा जो ये हुआ है मेरी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा, अंदर से क्लीन कर देगा, साथ ही मेरा वेट जो बाउंस हो गया है वो बैक आ जाएगा। और ये सबके साथ होता है, ये जर्नी है और ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा कम हो गया तो थोड़ा बढ़ नहीं सकता। और कभी कभी लाइफ में इंजॉयमेंट के पल भी आते हैं तो हम उनको इंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम उसे अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड नहीं करेंगे तो हम कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अपनी चीज़ों को भी इंजॉय करिए और साथ के साथ उस चीज़ को कवर कर लीजिए। यानी कि मैंने 2 दिन चीट मिल किया तो मैं 3 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा मतलब पूरा डिटॉक्स करूंगा। डिटॉक्स डाइट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसके लिए मुझे कुछ फ्रूट्स और सब्जियों की जरूरत है। तो मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से फ्रूट्स हैं और कौन कौन सी सब्जी हैं। कैरेट्स वगैरह तो रखी हैं और थोड़ी थोड़ी सब्जी लाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे जरूरत होती है। कुछ फ्रूट्स भी लाने हैं, तो अब एक काम करते हैं, अब मैं निकलती हूँ और मैंने डाइट चार्ट अपना बना लिया है और आप लोगों के लिए भी पूरा वीडियो बना दूंगा 3 डे के डाइट चार्ट का, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और मैं अपने ब्लॉग में थोड़ी सी शॉपिंग करने जाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ तो सोचा मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग करना चाहिए ब्लॉग को। तो चलिए हम शॉपिंग करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं कि मैंने कहाँ से शॉपिंग करी है। मैं बड़े स्टोर्स वगैरह पे बहुत कम जाती हूँ, पहले मैं जो छोटे लोकल होते हैं उनसे खरीदती हूँ, फिर कुछ चीज़ें नहीं मिलती है मेरी डाइट की तब मैं जाके चेकआउट करती हूँ इजी डे वगैरह जो बड़े स्टोर होते हैं वहाँ पे जाके, जो चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी तब हम जाएंगे वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋषि भाई मीतू, और मैं हूँ मीतू राठौर। टाइम है मॉर्निंग के 6:30 और मैं ले रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक और आज प्रोसेस करूँगी मैं डिटॉक्स ड्रिंक लूँ, क्योंकि 2-3 दिन से, कल मेरा बर्थडे था तो कल पूरा दिन चीट मील हुआ है, परसों एक दिन पहले भी मेरा मन नहीं था तो परसों भी पूरा चीट मील हुआ था, इसलिए ब्लॉग भी नहीं आया। तो आज हम डिटॉक्स करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा कम खाएंगे, तो 2-3 दिन का मैनेज करेंगे। अभी मैं ले रही हूँ अपनी अजवाइन टी और इसके बाद जब भी मैं और कुछ लूँगी तब मैं आपसे मिलूँगी। अभी हो रहा है दोपहर के 12 और वैसे मैं 11 बजे से या 11:30 बजे से ही अपनी इंटरमीडियंट फास्टिंग अब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हमें 20-21 दिन हो चुका है नॉर्मल डाइट करते हुए, मतलब कि 12:12 के टर्म्स में करते हुए। तो अभी मैं सोच रही हूँ, अब मैं थोड़ा सा गैप बढ़ा दूँ, तो मैं सोच रही हूँ 10 बजे 10:30 से लेकर 11 के बीच में स्टार्ट करूँगी, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। आज अगर हम 12 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 दिन हम डिटॉक्स डाइट 12 से ही स्टार्ट कर लेंगे या 11 से, मतलब जैसे भी स्टार्ट हो पाएगा वैसे कर लेंगे। और पहली मेरी मील थी मॉर्निंग में, मतलब एक ग्लास डिटॉक्स ड्रिंक था, तो मैंने आज अजवाइन का पानी पी लिया था, लेकिन कल मैं पीऊँगी सिर्फ लेमन वाटर गर्म करके गुनगुना करके, और साथ में मैं काली मतलब जो किशमिश होती है वो लूँगी। तो मैंने वो खा ली थी चलते फिरते और मैं दिखा नहीं पाई थी स्कूल में ही। अभी मैं पहली अपनी मील ले रही हूँ, ये लगभग 200 ग्राम ये मेरे मिक्स फ्रूट है, वन बॉल है, तो मैंने इसमें पपाया लिया है और नाशपाती ली है, केला लिया है, सेब लिया है और थोड़ा सा अनार ले लिया है। आपके पास जो भी फ्रूट्स हों वो सारे आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन वन बॉल ही लेने हैं, जिसमें कि 200 ग्राम से मतलब 190 से 200 ग्राम के आसपास होता है, तो एक ये लेना है। साथ में मेरी पहली मील में है नारियल पानी, 1 कप नारियल पानी था, तो कोई दिक्कत नहीं अगर हम इतना बड़ा भी नारियल पानी एक ले लेंगे, तो मैं ये लेके आई हूँ। तो इसको अभी हम जब पीऊँगी
इसको मैं खोल लेती हूँ, जिसमें मैंने नारियल पानी लिया है और साथ में अपना ये मिक्स फ्रूट लिया है लगभग 200 ग्राम। पहली मील यही, तो यही मैं लूँगी अभी अपनी मील में। और डिटॉक्स डाइट हमारी 3 दिन तक चलेगी और बहुत अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि 1-2 दिन कभी कभी हम चीट मील कर लेते हैं, तो 3 दिन हम ये करके या फिर 1 दिन का भी अच्छा सा अपना डिटॉक्स कर सकते हैं। लेकिन मेरा काफ़ी ज़्यादा ही चीट मील हो गया था, इसलिए मैं 3 दिन करूँगी और उसके बाद से फिर से अपनी नॉर्मल डाइट पर आ जाऊँगी। इसी तरीके से डाइट होती है, कभी भी ऐसे नहीं एक ही तरीके से चलोगे तो आप बोर हो जाओगे, आपको ये लगने लगेगा कि हम कुछ नहीं खा पा रहे हैं अपनी पसंद का। तो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है और साथ में हमें वेट भी लूज़ करना है। तो चलिए मैं अपनी मील लेती हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट मील पे मिलती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि अब नेक्स्ट मील में क्या लेना है। तो गाइस अभी लगभग 2:10 हो रहा है और लगभग 2 घंटे हो गए हैं, हमने अभी तक कोई मील नहीं ली है। मैंने ढेर सारे फ्रूट्स लिए थे जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मेरी नेक्स्ट मील का टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट मील में है या तो आप एक कीनू ले लीजिए या फिर आप एक संतरा होता है वो ले लीजिए। अगर वो सब नहीं है तो इस समय अनार बहुत चल रहे हैं, तो एक आप अनार ले सकते हैं। तो ये मैंने एक अनार लिया है, तो नेक्स्ट मील मेरी यही है। और इसके बाद मैं लूँगी अपना क्लियर वेजिटेबल सूप। वो कैसे बनाते हैं वो मैं दिखा दूँगी। बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जैसे मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं है और है ना धनिया का जो डंठल होता है वो भी नहीं है। तो जो भी है उसमें ही बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे। अगर मार्केट जा पाए तो मैं ले आऊँगी। मैं जैसे स्प्रिंग अनियन भूल गई थी, मशरूम भूल गई थी लाना, कोई बात नहीं, आसपास था भी नहीं, मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ता उसको लेने के लिए। बट नहीं है तो हम जो सब्जियां हैं हमारे पास हम उसमें बनाएंगे। बट ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि छोड़ेंगे नहीं, कि अगर एक चीज़ नहीं मिल रही उसके लिए पूरी चीज़ छोड़ दें। तो हमारी डाइट में नेक्स्ट मील हमारी अनार है और ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। और इसके बाद हम बनाते हैं क्लियर सूप और फिर उसको लेते हैं लंच में और फिर बात। तो गाइस अभी हो रहा है 2:30 और लगभग आधे घंटे पहले हमने सेकंड मील ली थी। अभी हमारा लंच का टाइम हो रहा है, क्योंकि आज मैंने अपना जो डे स्टार्ट किया है वो 12 बजे से स्टार्ट किया था। तो अभी मैं बनाऊंगी अपना क्लियर वेजिटेबल सूप। और कैसे बनाते हैं बहुत आसान है, अगर आपके पास चॉपर है तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, जिससे कि हमारी सब्जियाँ होती हैं बहुत अच्छे से चॉप भी हो जाती हैं और उनको चॉप होने में टाइम भी नहीं लगता है। तो हम बनाते हैं अपना क्लियर वेजिटेबल सूप, क्योंकि जब हम डिटॉक्स डाइट पर होते हैं थोड़ी सी वीकनेस भी होती है, तो जल्दी से हम ले लेते हैं अपना क्लियर वेजिटेबल सूप बनाकर, नहीं तो नमक नहीं मिलेगा तो बॉडी को। तो थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, तो आपको भी लगेगा तो टाइम से बना के रख लें। शाम को भी फिर से क्लियर वेजिटेबल सूप है, इसलिए मैं खट्टा ही बना लूँगी, शाम को फिर से गर्म करके ले लूँगी। तो चलिए हम बनाते हैं क्लियर वेजिटेबल सूप और देखते हैं कैसे।
गाइस हमारा लंच बनके तैयार है और लंच में मैंने बनाया है क्लियर वेजिटेबल सूप। और ये जिस तरीके से मैंने बनाया है पूरा उसी तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा, साथ ही आपका उस टाइम के लिए तो भूख शांत कर देगा, पर हमें मालूम है डिटॉक्स डाइट में भूख लगने लग जाती है क्योंकि हम कार्ब नहीं ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसे जरूर भी आप ट्राई करें इस वाली डाइट को। तो ये वेजिटेबल सूप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हो तो ऊपर से सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में मैंने लिया है मिक्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का सैलेड, जो कि जिसमें मैंने गाजर, टमाटर, चुकंदर, खीरा, साथ में सारे फ्रूट्स जितने भी मेरे पास थे वो सारे ले लिए हैं और इस तरीके से पूरा इतना बाउल भर के ले लिया है। और यही मेरी अभी की मील होगी और इसको मैं एंजॉय करती हूँ। और फिर आपसे नेक्स्ट वीक में मिलूंगी क्योंकि अभी मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझसे बोला नहीं जा रहा है, तो अब मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज अभी हो रहा है शाम के 6 और मेरा वर्कआउट हो गया है और मैंने वेट ट्रेनिंग की है, पर लाइट वेट से की है और पूरा वर्कआउट कम्प्लीट कर लिया है। और उसके बाद हम प्रोटीन पाउडर तो नहीं लेंगे अपने इस डिटॉक्स डाइट में, तो हम ले रहे हैं स्प्राउट चाट। इसमें मैंने स्प्राउट्स लिया है और टमाटर और खीरा, थोड़ा सा पिंक हिमालयन सॉल्ट और हल्की सी हरी मिर्च और डाल के मैंने अपना अच्छा सा स्प्राउट चाट बना लिया है। और ये हाई प्रोटीन है इसलिए हमें वर्कआउट के बाद मसल्स रिकवरी में मतलब हेल्प करेगा, तो यही हम लेंगे इस समय पे। और इसके बाद फिर से हमारा 1-1.5 घंटे बाद हम अपने डिनर की तैयारी करेंगे, तब मैं आपसे मिलूँगी और देखेंगे हम डिनर में क्या ले रहे हैं। और ईमानदारी से करें इस डाइट को कि हम लोग खुद के लिए कर रहे हैं, तो जो डिटॉक्स डाइट है उसे बहुत अच्छे से करें। डिटॉक्स डाइट करने के बाद में हम अपनी नॉर्मल डाइट स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो कोशिश करें कि डिटॉक्स डाइट को बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से करें जिससे कि आपको वेट लॉस करने में और फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो आप सारी मील को जिस तरीके से बता रहे उसी तरीके से लें। तो पहला मतलब अब मेरा इवनिंग मील यही है जो कि मैंने वर्कआउट के बाद में लिया था, वैसे ही इवनिंग में था तो मैंने सोचा कि वर्कआउट के बाद लिया जाए जिससे कि हमें मसल रिकवरी में फ़ायदा हो। और ये लेने के बाद हम अपने डिनर की तैयारी करते हैं। तो गाइज अभी हो रहा है शाम के 8:30 और डिनर का टाइम हो रहा है। और आज हमारे डिनर में वैसे तो था स्टीम वेजिटेबल और साथ में था हमारा क्लियर वेज सूप जो कि मैंने दिन में बना के दिखाया था। मैंने थोड़ी देर पहले स्प्राउट खा लिए थे तो मेरा और सूप बनाने का मन नहीं हो रहा है, और अगर मैं सूप बनाऊंगी तो मुझे टाइम बहुत लग जाएगा और मन भी नहीं हो रहा है और मुझे टाइम बहुत लग जाएगा, फिर ये होगा कि मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाऊंगी और मैं आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाऊंगी। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रहा है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बिल्कुल कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ आपके साथ में, लेकिन मुझे कंटिन्यू होना है इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से मैं अपना ये काम निपटा के अपना वीडियो एडिट करके आपको दे दूं। तो अभी स्टीम वेजिटेबल है तो उसमें मैं क्या दिखाऊं, मैंने ये सारी सब्जियां ली है, कैबेज है, ये बीन्स है, कैरेट और थोड़ा सा गोभी है, इसी को मैं बस ऐसे ही पैन में डाल दूंगी और इसलिए बस मीडियम हीट पे ऐसे ही इसमें हम थोड़ा सा पिंक हिमालयन सॉल्ट या फिर सॉल्ट कुछ भी डाल सकते हो, थोड़ा सा डाल दें जिससे कि जब हम ढक के इसको पकाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च हम कूट के डाल देंगे और इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे।
और इसको अच्छे से ऐसे चला के स्टीम होने रख देंगे। और जब ये थोड़ी सी स्टीम हो जाएंगी तब हम इसको ऐसे ही लेनी है, क्योंकि ये डिटॉक्स डाइट चल रही है और ये प्रॉपर डिटॉक्स डाइट है जो मैं ये 3 दिन का बता रही हूँ। तो अब हम ये कंप्लीट हो जाए, स्टीम हो जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस हमारा वेजिटेबल स्टीम हो गया है और ये मैंने ऐसे ही पैन में डाल के और नमक डाल के छोड़ दिया था और काली मिर्च डाल के, तो कुछ देर बाद अपने आप ही ना ये स्टीम हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा स्टीम ना करें, मतलब बहुत ज़्यादा इनको ना पकाएं कि जिससे कि ये बहुत ज़्यादा गल जाए। तो स्टीम वेजिटेबल जो होती है वो थोड़ी सी टाइट या हल्की सी खड़ी खड़ी जो रहती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये है हमारी स्टीम ग्रीन वेजिटेबल। और थोड़ा सा टेस्ट बनाने के लिए मैंने इसमें हल्का सा चाट मसाला डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बहुत हल्का डाला है। और इसके साथ में वेजिटेबल सूप भी है, क्लियर वेजिटेबल सूप, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे भूख नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। अगर मुझे ज़्यादा भूख लगेगी तो मैं वो भी बना के ले लूँगी, बट अभी मुझे भूख नहीं है। उससे पहले मैं आधा केला भी खा चुकी हूँ, मैं उसे सूट नहीं कर पाई थी। तो मैंने शाम को स्प्राउट खाया, आधा केला खाया, अब मैं स्टीम वेजिटेबल ले रही हूँ और यही लेके मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट करूँगी बाद में। और कोशिश करूँगी टाइम से वीडियो आ जाए, जो प्रॉमिस किया है आप लोगों से कि बर्थडे के बाद से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी, तो वो पूरा करने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं और मेरी ये जर्नी आपको कैसी लग रही है, कुछ क्वेरी हो डाइट से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे DM करें इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम ID है rishabhaimeethu, वहाँ आप मुझे जब भी DM करेंगे आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है, 1-2 घंटे के अंदर मैं देख ही लेती हूँ, चेकआउट करती रहती हूँ मैं, तो आप वहाँ पर बता दें। और ये वाला डाइट प्लान जिसको भी चाहिए वो मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी डाइट प्लान का, और साथ में खुद भी ब्लॉग में भी दिखा रही हूँ। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों की भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो जाए। और जो साथ में बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब तक वो आप क्लिक नहीं करेंगे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो आप उसे ज़रूर क्लिक करके ऑल का बटन दबा दें, जिससे मेरी जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगी। तो गाइस कल हम मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, इसी डाइट प्लान के साथ में, क्योंकि अभी 3 दिन हमारा डिटॉक्स डे चल रहा है। तो देखते हैं मैं 3 दिन कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। 1 दिन मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, अगर 3 दिन कर लिया तो वेल एंड डन, और नहीं तो 2 दिन 1 दिन जितना हो बनता है आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें। इससे क्या होता है कि इसके बाद जब आप डाइट शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा सा फास्ट मतलब ग्रोथ मिलती है वेट लॉस करने में, तो आप जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।